केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने सोमवार को स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज पुरस्कार की घोषणा की। नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें नागपुर समेत देश के 11 बड़े शहर शामिल है। इस चुनौती के तहत नागपुर स्मार्ट सिटी के लिए 50 लाख रुपए के पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। महापौर दयाशंकर तिवारी एवं नगर आयुक्त राधा कृष्ण बी ने नागपुर स्मार्ट सिटी को टीम को पुरस्कार के लिए बधाई दी। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की सचिव मनोज जोशी ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में पुरस्कार की घोषणा की। कार्यक्रम में स्मार्ट सिटी मिशन के प्रमुख कुणाल कुमार मौजूद थे। नागपुर स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस के साथ देश के सभी स्मार्ट शहरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। भुवनेश्वरी एस मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 100 स्मार्ट सिटी के लिए स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज पहल की गई है। इनमें से 38 शहरों को शुरू में चुना गया था। अब नागपुर स्मार्ट सिटी को टॉप 11 शहरों में शामिल किया गया है। यह पुरस्कार नागपुर के लिए गौरव की बात है। नागपुर के लिए 50 लाख रुपए के पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। इसके लिए उन्होंने नागपुर के सभी जनता को महापौर दयाशंकर तिवारी, स्मार्ट सिटी के चेयरमैन और मेंटर डॉक्टर संजय मुखर्जी, मनपा आयुक्त राधा कृष्ण बी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्टेक होल्डर्स को धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक में स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज की अवधारणा की कल्पना की गई थी। नागपुर स्मार्ट सिटी द्वारा सीताबर्डी और सकरदरा क्षेत्र का चयन किया गया था। स्मार्ट सिटी के माध्यम से इस बाजार को अनुशासित करने के साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा।